still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको शायद ये अनयूजुअल प्लेस लगे व्लॉग को शुरू करने के लिए। बहुत सारे दिनों से मैं व्लॉग की वीडियो बना रही हूँ, छोड़ रही हूँ, बना रही हूँ, छोड़ रही हूँ, और ऐसे ही मेरे पास नन्ही नन्ही बहुत सारी वीडियोस हैं। तो आज मैं काइंड ऑफ व्लॉग का शुरुआत करने वाली हूँ। आई डोंट नो, बहुत लेट है, 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। आज मैंने अर्ली बनाए करेले, जो शायद आपने देख लिए होंगे, खाते का मैंने दिखाया या नहीं, क्योंकि बहुत पॉपुलर। सो आज हमारे दिन की शुरुआत होने वाली है धूनी नाल। ओके, तो नहीं नहीं, एक्चुअली ये सरसों का तेल मैंने जलने के लिए रखा, ज़्यादा ही जल गया। और आज शुरुआत में मैं बनाने वाली हूँ करेले, क्योंकि हमारा करेले खाने के लिए बहुत मन है। और मुझे लगता है करेले बनाए हमें हो गए होंगे 3-4 महीने। सो यस, इनको मैंने रात को रख दिया था, क्या बोल के, नमक लगा के। और मैं इसका इनसाइड बिल्कुल खाली कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसमें अच्छी तरह मसाला फिल करूँगी। और मसाले के लिए हम यूज़ करेंगे अनियन, जो करेले के छिलके को उतारा है मैंने, इसको भी नमक लगा हुआ है, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे फिल करने के लिए। और जो बीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कुछ इस तरह के, उसे भी हम फिलिंग में यूज़ कर लेंगे अनियन के साथ। सो यस, अब सबसे पहले करेलों को मैं फ्राई कर लूँगी, पर मैं इनको अच्छी तरह निचोड़ के जो बचा हुआ पानी है वो निकाल रही हूँ इस समय। फिर उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इनको नमक लगाने से पहले अच्छी तरह धोया था, तो इस समय मैं इसको दोबारा नहीं धोऊंगी, क्योंकि मुझे ये वाटर लेस चाहिए अच्छी तरह। सो अच्छी तरह पानी निकाल लेंगे। मसाले के लिए मैंने अनियन को कुक करना शुरू कर दिया। आई नो इसमें कई बड़े पीस हैं, पर हस्बैंड को बड़े पीस खाना अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। सो जो जो मुझे लगता है कि थोड़ा ओके है उसे हम निकाल लेंगे, दिस इज़ नाइस। और बाकी को अभी और कुक करेंगे। सो ये करेले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसमें आलू फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास मसाला थोड़ा ज़्यादा है, और वैसे भी आलू काफ़ी डिलीशियस लगते हैं, और आलू के नू चंगे नहीं लगते खाने भी। सो हम आलू वालू फ्राई कर लेंगे, और इन्हें भी मसाला पा देंगे। इनू कहते हैं गुणकारी बंदा, सब तो प्यारा बंदा दुनिया का, और दैट्स मी, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस। सो करेले रेडी हैं, रोटी एंड दाल। सो अब मैं यहाँ पे आई हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए, क्योंकि रेडी होके मुझे मज़ा आता है एंड आई फील गुड। और रेडी होने के बाद मैं इस रूम को क्लीन करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि रेडी होके क्लीन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, फिर आप मुझे जानते नहीं, और मैं आपको जानती नहीं हूँ, क्योंकि रेडी होने के बाद मोटिवेशन आती है, आप प्रोडक्टिव फील करते हैं, ऐसे सुस्त बन के लगता है कि बस लम्बे पैरों टीवी देखी जाओ या कुछ भी। पर जब आप थोड़ा रेडी होते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, इसीलिए हम रेडी होते हैं। यार सी, मेरे चेहरे पे आपको शायद स्कार्स दिख रहे हो। स्कार्स के लिए मैं कुछ खास नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नियासिनमाइड एंड रेटिनॉल मेरे पास फिनिश हो चुकी है, और बाहर हम गए नहीं हैं लेने के लिए। सो या फिलहाल के लिए स्कार्स के लिए मैं सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, कि हमेशा सनस्क्रीन लगा के रखूँ। आई एम नॉट श्योर कि इस रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी है, मेरे इस रूम में ये इतना प्यारा रूम है कि यहाँ पे बहुत धूप आती है जब सूरज नीचे जा रहा होता है। तो मुझे जब यहाँ पे रोशनी होती है, तो मुझे बहुत मन करता है कि मैं शूट कर यहाँ पे समय स्पेंड करूँ, या क्लीनिंग करूँ, या कुछ। मेरे रूम में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है, क्योंकि यही मेरा ऑफिस है, और यही मेरा ब्यूटी रूम है, और यही मेरा स्टूडियो है। सो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैस रहती है। बहुत सारे दोस्त हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं
तैयार होती हूँ मेरे व्लॉग के लिए या दिन के लिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ। और मेकअप के बारे में ये है कि मैं हमेशा मेकअप नहीं पहनती हूँ, स्पेशली जब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैं कुछ कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ या मेरा प्लान है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, उसी दिन मैं तैयार होती हूँ। पर आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा तैयार होना चाहिए। अब मैं सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ। सबसे पहले शिशिरो की स्प्रे है ये, जो मैं अदर सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ वो स्टिक वाला, वो फिनिश हो गया और सेफोरा में अवेलेबल नहीं था वो। पर सनस्क्रीन लगाना स्किन का सबसे बेस्ट काम है, सो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा नन्ना सा मेकअप रूटीन। सो सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं यूजली मेरी आँखों को कुछ कर लेती हूँ और बाद में कुछ और करेंगे। मैंने सनस्क्रीन पहले भी 2-4 बार लगाया है, तो पहले मैंने क्रीम सनस्क्रीन लगाया था तो मेरे आईब्रोज में वो क्रीम सी है, उसको मैं ब्रश कर लूँगी। हम करेंगे 10 मिनट मेकअप। ओके, दिस इज़ डन। और ये मेरे पास ब्राउन्ज़र है, सिटी ब्राउन्ज़र मेबलिन का। इससे मैं मेरी आईज़ को क्रिएट करूँगी, थोड़ा सा लेके मेरे ब्रश पे आई लिड पे लगा लूँगी। इसी तरह इस साइज़ पे कलर आ गया थोड़ा। आई एम नॉट श्योर अगर आपको दिख रहा है या नहीं, कैमरा भी मुझसे बहुत दूर है और रूम में रोशनी भी है। दिस डन। अब मैं लूँगी नन्नू सा ब्रश कोई, लाइक थोड़ा स्मॉल, जो मैं स्मॉल ब्रश लेना चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा नहीं, मिल गया। ओके, सो मैं ये कोई पैलेट ले रही हूँ जो मेरी आँखों के सामने है, इसमें मैं डार्क ब्राउन एंड ब्लैक को लेके मिक्स कर लूँगी दोनों को। और इसे हम आईलाइनर की तरह लगाएंगे, जैसे आईलाइनर लगाते हैं वैसे। इस तरह मैं आईलाइनर जैसा लुक क्रिएट कर लूँगी दिस साइड। सो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। अब मैं मस्कारा ले रही हूँ मेबलिन लैश सेंसेशनल, इसे लगा लूँगी बहुत पतला कोड, क्योंकि यूजली मैं लैशेस लगाती हूँ और जब मुझे नहीं भी लगानी हो तब भी एक आधा कोड ही लगाऊंगी मैं। आज मुझे लग रहा है मैं लैशेस नहीं लगाऊंगी। सो दिस इज़ डन। अब मैं कोई प्राइमर यूज़ करूँगी जो भी मेरे सामने आँखों के होगा। मेरे आँखों के सामने ये प्राइमर है इट कॉस्मेटिक का ऑयल फ्री मेकअप बेस प्राइमर पोर्स के लिए। सो इसे मैं पोर वाले एरिया पे लगाऊंगी। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे यार, आई एम सॉरी अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो। सो इससे मैंने पोर वाले एरिया पे लगा लिया, नोज़ पे लगा लिया, चिन पे और थोड़ा सा फोरहेड पे। डन। इसे थोड़ा ड्राई होने देते हैं, तब तक आईब्रोज को थोड़ा फिल कर लेते हैं। लॉरियल की जल लूँगी, एंगल ब्रश लूँगी, थोड़ा सा इस पे लेंगे और आईब्रोज को फिल कर लेंगे बहुत लाइटली। डन। इसी तरह इस तरह। सो दिस इज़ डन। यार मेरी ना सेहत आजकल इतनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेड है ना, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। सो इसलिए व्लॉग शुरू तो हो जाता है पर आधा अधूरा रह जाता है। लॉरियल का कंसीलर ले रही हूँ, एज परफेक्ट रेडियंट कंसीलर। इसे लगाएंगे अंडर आई सर्कल्स पे, 3 ड्रॉप्स मैं स्किप भी कर देती हूँ, और स्कार्स पे। टड़ा। सो अब बारी आती है इसको ब्लेंड करने के लिए। मैं छोटा ब्रश ले रही हूँ, उससे इसे ब्लेंड कर लेंगे, चिन से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ ब्लेंड कर लेंगे जहाँ पे स्कार्स हैं। देन जब आपको लगता है वो थोड़े से हाइड हो गए हैं, कंसील हो गए हैं, देन उस प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा हर तरफ फैला देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, सिर्फ इसी से काम चलाना है। अगर थोड़ा थोड़ा स्कार पीक भी कह करते रहें तो मैनू चलता है, इट्स ओके। इसी तरह हम इसे ड्रैग कर लेंगे हर तरह। सो दैट्स इट। इतनी कंसीलिंग करूँगी मैं, इतना ही सब कुछ करूँगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है। सेम ब्राउन्जर लेके मेरी लैश के नीचे भी लगा लूँगी, क्योंकि अब हमने कंसीलर लगा दिया है तो इससे बेचारी को भी थोड़ा सा रंग दे देंगे। सो वंस ये ब्राउन इनफ लग गया, मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन या ब्लैक मिक्स करके लगा लेती हूँ ताकि ये। सो यस, अब हम लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगा लेंगे। हिम्मत और उसके डैडी पता नहीं क्या कर रहे हैं नीचे, कभी बाहर प्ले करने चले जाते हैं कभी अंदर आ जाते हैं। आज एक्चुअली अच्छा दिन है बाहर और मैंने चाह पीने का दिल करता पे हूँ और हस्बैंड ज़्यादा साथी नहीं है, थोड़ी सी पी लेते वैसे पर अन्य शौकीन नहीं है। आई थिंक बाहर चले गए फुटबॉल खेलने। ऑलराइट, सो ये हो गया। और आईब्रोज को मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे बाल ब्लैक है ना तो ये थोड़े से डार्क अच्छे लगते हैं, पर अगर आपके बाल लाइट हैं तो आप मत करें। सो डर्मा ब्लेंड का लूज़ पाउडर लगा लिया मैंने थोड़ा सा सेट करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि फिर फेस सेट हो जाता है, लाइक ट्रांसफर नहीं होता ये जो कंसीलर है। और या फाउंडेशन नहीं हम यूज़ करेंगे आज, क्योंकि इन्ना बहुत है, फेस एक्चुअली सेट हो चुका है, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। और थोड़ा सा ब्लश लगा लेते हैं। किसी के पैरों की आवाज़ आती पी, उन्हें सीधा बंदे ने इधर ही आना। व्हाट डू यू थिंक? Hmm.
हगी पूछी करनी है उठी रख लो फिर। ओके पति आए थे डिस्टर्ब करने के लिए और चले गए। अब हम लगाएंगे। बहु मैंने लैपटॉप चाहिए ही पिंक लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं। ये है रिमल लंडन की ब्लश टच नंबर 200। ये है बहुत अच्छा शाइनी शेड। अगर आप हैं जिनको शाइनी लिपस्टिक अच्छी लगती हैं तो मैंने दुनिया जहाँ दी इन्फॉर्मेशन उधर देनी है जब मैं कोई डेलीगेट काम कर दिया ताकि वो खराब हो जाए। मुझे शाइनी अच्छी नहीं लगती तो मैं इसे ट्राई कर लूँगी। और अब उसके बाद मैं इस पर ब्लश जो मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन उसे लगा लूँगी ताकि मैट हो जाए। फिर मैं सिटी ब्राउनजर पाउडर लेके उसे भी लगा लूँगी ताकि ब्राउन टिंट आ जाए। अब ठीक है। हाइलाइटर लगा सकते हैं। वैसे डेली जिंदगी में हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है पर आपको अपने पट्टी को चकाचौंध में डालना हो तो लगा लें। ना लगा लें कि पट्टी क्या यार तो कर दी कितने ऑल राइट। आप हर वो स्टेप स्किप करें जो आपको करने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कोई भी काम करना इतना ज़रूरी तो है नहीं। सो नॉर्मल ज़िंदगी में मैं लैशेज लगाती हूँ पर आज मेरा मन नहीं कर रहा था सो आज हम नहीं लगाएंगे। सो यस वी आर ऑल डन। मेकअप कर करके हो गई है मैं थक गई हूँ और मैं चाहनी चाह पानी पिए पर नहीं यार क्लीनिंग करनी है आज मैं इस पीरियड ही। बाल बहुत ऑयली है हमेशा की तरह मेरी कंप्लेंट है ये। धीरे क्यों बोल रही हूँ मैं आई डोंट नो आई एम गोना मेक अ प्रीटीएस्ट लो बन। मेरे पास ना एक वो इयररिंग्स है वो पहन लेती हूँ। सो आई गॉट दीज इयररिंग्स फ्रॉम फॉरएवर 21। ये पा लेने तो अही लगेंगे प्यारे। और ये मैंने लिए थे फॉरएवर 21 से। बंद हो गया तो खाली गल। ओके सो मेकअप करना मेरी जिंदगी से डिफरेंस किया आया कुछ भी नहीं आया। क्या मैं प्रोडक्टिव फील कर रही हूँ? नो एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग। आई एम फीलिंग लाइक हैविंग चा सो मे बी आऊँगा आऊँगा डाउन स्टेयर। जब तक मैं वापस आऊँगी तो ऐसे नेरा हो जाना। सो एक्चुअली थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे बहुत मैस है। सबसे पहले मेरा काम होता है कि नैपकिन्स मैं हर जगह फैला देती हूँ उसको क्लीन कर लेते हैं। एंड लुक एट दिस हाउ मेनी नैपकिन्स आई गॉट। ओके सारे तो लिपस्टिक ही लगी है। सो अगला काम है ब्रशेस। ब्रशेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिखरे पड़े हैं तो हम उनको कप में निकालेंगे क्योंकि अगर ब्रश मैनेज हो जाए तो ऐसे लगता है कि ये प्लेस काफ़ी खाली हो गया क्योंकि ज़्यादा मैस ब्रशेस की है। सो ब्रशेस जाएंगे यहाँ से दूर कहीं। ऑलराइट दैट्स डन। एक बार ये एक्चुअली अगर आप क्लीनिंग करना शुरू कर दो ना फिर आपको लगता है कि फिनिश ही कर लो। बस शुरू करने में टेल होती है। सो अगर मैंने कहीं और ब्रशेस जल्दी जल्दी में रखे हैं वो मैं लूँगी। और अगर कोई पीआर बॉक्सेस हैं या नए शॉपिंग के हैं उसको मैं ऐसे रख लेती हूँ कि मेरी नज़र में रहे क्योंकि मुझे चेता भुल जाता है कि मेरे को की मेकअप आ। आई एम वेरी लेज़ी कि मैं कुछ निकालूँ नया। सो फिर हम वो पुरानी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। ओके अब ये डब्बे ना क्या बोलते हैं उसको लूज पाउडर जो है वो बहुत यहाँ पे मैसी है। उसका काम हर तरफ लूज पाउडर दिखेगा आपको। ओके बेचारा भी खा लिया नहीं खुला ढक्कन नहीं है इसका। ओके पट्टी प्राइमर मुझे यूज़ करना था। नो वे एक्चुअली पट्टी प्राइमर की मैंने रिव्यू वीडियो शूट करके रखी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्राइमर। आपको मैं स्पॉइलर अलर्ट दे देती हूँ। लुक एट दिस। ओहो लूज पाउडर अच्छे तो हैं पर गंद बहुत मचा दिया लूज पाउडर मैन। सेटिंग स्प्रेस। सो ये है शिशिडो का लूज पाउडर से भरा हुआ स्टिक SPF। ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको कोई सनस्क्रीन चाहिए जो आपकी स्किन पे बिल्कुल शो नहीं हो और बहुत अच्छी लगे आपकी स्किन तो ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आप पहने ज़्यादा चिंता तो यही चीज़ की रहती है ना कि जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो हमारे चेहरे पर दिखता रहता है वो बहुत ही अजीब लगता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन फॉर दैट। सो यू गाइस कैन डू दैट। और
और ब्रश लग गए सानू एंड पट्टी का साढ़े बिना दिल लगता नहीं है लगता पट्टी जस्ट रोमिंग अराउंड क्रीम कंसीलर 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 ओके एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लीनिंग नहीं करेंगे पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने यूज़ नहीं किए उनको मैं आँखा सामने रखूँगी इसमें और इस सरफेस को क्लीन कर देंगे दैट्स इट ओके दिस इज़ गोइंग हियर ग्लिटर इज़ गोइंग हियर दिस इज़ डन 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 अही ना किदा किदा भी समेटता है बस थोड़ा दिल नहीं लगता तो दिल नहीं लगता मेरे बिना मनना नहीं है कि दिल नहीं लगता बहाने मारने तरह तरह से यार पता मेरे रूम में कभी भी हिम्मत आके ना मैस कर जाता है और फिर मानना नहीं सो यस उठ दे हाथों तो कोई काम कर दे ऑल राइट जिन्नी को ज़रूरत है उन्नी क्लीनिंग कर लिया सी बाकी लेटर करेंगे इन्हें पीछे कर दिया जाए जितनी ज़रूरत है उतना तो मैंने क्लीन कर लिया है बहुत ज़्यादा क्लीनिंग किया है पर या बेसिकली मैंने इसको क्लीन कर दिया नीचे क्लीन किया अब मेरा मन नहीं है मैं नीचे जा रही हूँ सो यस मैंने आईलाइनर भी लगा लिया है एंड लेट्स गो डाउनस्टेयर नाउ आई माइट लुक डिफरेंट वियर्ड और यूनिक टू यू लेट्स गो डाउन हस्बैंड को आजकल ग्लास में पीने का मज़ा आता है तो उनको देने जा रही हूँ मैं अपस्टेयर्स में भी वो अपस्टेयर थोड़ा समय स्पेंड कर रहे हैं अकेले क्योंकि क्वारंटीन चे इकट्ठे रह रह के भी बंदा पागल हो जाता है सो आई गेस ही नीड सम मी टाइम बट मैं चाह लेके जाऊंगी बहाने नाल उन्हें दे मी टाइम नो अही भंग करांगे लेट्स डू दैट ओए हैंडसम ओके सो तैयार होने के बाद मैंने लैशेस भी लगा ली हैं क्योंकि हम क्रेज़ी और उसके बाद मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा सनी दिन है और उस रूम में बहुत ज़्यादा अच्छी सनी धूप थी तो एक दो फ़ोटो खींच लेते हैं तो मैंने कपड़े चेंज किए हैं फ़ोटो खींचने के लिए और मैंने एक्चुअली रिसेंटली कुछ शॉपिंग की है इधर उधर तो वेले बैके की करना सो मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है सो दिस इज़ वन ऑफ देम एंड आई लव इट सो दैट्स दैट नीचे जा रही हूँ मैं हिम्मत एंड मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड बाहर क्लीनिंग कर रहे हैं थोड़ी सी तो उनकी मदद करती हूँ उसके बाद मैं व्लॉग को एडिट करना शुरू करूँगी ओके सो मैं नीचे आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा तैयारी करके हस्बैंड वहाँ से कितने चल रहे हैं तो एडिट तैयार होके लेट्स सी कि उन्होंने की रिएक्शन की होंगी तो मैं कोई रिएक्शन नहीं हाय गाइस दिस इज मी ऑलरेडी बाओ कोई रिएक्ट करोगे मेरे कपड़े देख के ओके लुक एवरीबॉडी कोश देखो मेरे भाई नाउ दिस इज माय लूज एंड गुड फैमिली का प्लाक लुक है ना तो बहुत वीडियो है इट्स ओके बुगी दैट्स देयर हाउस नो दे हैव अ अदर हाउस देयर अल्लाह ओते होल कीड़ियां होनी है दुनिया से आई कीड़ियां प्यारी रिएक्ट कर हां कोई क्या मैं दुनिया की सब तो प्यारी लग गई नहीं कोश ते क्या बोलो ਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਬਲ ਗਮ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਬਬਲ ਗਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਮ 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 ਓਕੇ ਮੰਮੀ ਓਏ ਓਏ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਰਾਜ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਟ ਬੈਡ ਥੀ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਬਬਲ ਗਮ ਬਬਲ ਗਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਵਿਊ ਆਈ ਗੈਸ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ Guys, it's nice outside. Let's go for a walk. No. ओके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है मैंने पहनी है वाइट शर्ट जो कि है लिनन एंड इसी ये बहुत लूज़ है मुझे और इसीलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तू मेरे कपड़े पा के आ गई एक्चुअली ग्लासेस ला के पूछ दिए सो दिस ब्यूटिफुल अनका वाली लोकली जीरो नंबर ऑल राइट सो मैं करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि मेरे वर्क से रिलेटेड है और मेरा वर्क क्या है सिमॉन लैशेज अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर से मेरी लैशेज की वेबसाइट पर जाएं और देखें हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल 9 डिफरेंट स्टाइल्स हैं मिंक लैशेज के उनमें से एक मैंने पहना है जो है दुबई उस पर मैं थोड़ा काम करूँगी और काम करते हुए मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और म्यूज़िक लगाऊँगी और खूब सारा यहाँ पर काम करते हैं वो दोनों बाहर प्ले करें जब तक
जैसे कपड़े पहने तुम ऐसे लग रही हो कि तुम किसी मिशन पे हो और दुनिया डिजास्टर होने वाली है और तू कुछ भी कर सकती है। बहू कहंदा कहंदा यू आर ऑन मिशन, डू सो स्ट्रांग एंड पावरफुल, यू कैन डू एनीथिंग। यार ये तू सारी मेरी मोटिवेशन को जीरो कर दिया कर, सारी मेरी मोटिवेशन को जीरो कर दिया कर। किदा तो उत्तर धुप रब ने पाई आ पास्ता में यूज करने वाली हूँ फेटोचिनी क्योंकि वो मेरा फेवरेट काइंड है। वैसे मैं लगूनी भी मुझे अच्छी लगती है पर आई एम गोना यूज दिस फेटोचिनी। सबसे पहले इसे बॉइल कर लेंगे। पानी में मैंने सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट एंड ऑयल डाला है। अब इसे अच्छी तरह कुक कर लेंगे और इसमें हम सिरप डालने वाले हैं और इंग्रेडिएंट्स में इसमें सिरप डालने वाली हूँ मैं मशरूम, चिकन एंड गार्लिक, दैट्स अबाउट इट। ओके दोस्तों तो पास्ता रेडी है। आज मैंने चिकन के पीसेस बहुत बड़े डाले हैं क्योंकि मेनू नहीं वधिया लग रहा है चिकन खाना, सो हस्बैंड एंड हिम्मत को अच्छा लगता है वो खा लेंगे। और सॉस रेडी है और पास्ता रेडी है, सो डन। सो डिलीशियस पास्ता रेडी है खाने के लिए। यस दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर दिया आपने पसंद किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें यू गाइज आर ब्यूटिफुल जैसा यू आर। स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। आई लव यू गाइज सो मच। बाय बाय कर दो लाला जी। बाय।